ये भैया हमारा ब्लड निकालेंगे, बहुत ही कोच आदमी है, बहुत ही कोच के निकालते हैं। चलिए निकालिए, चालू मैं देख रहा हूँ, कह रहे कोच आदमी। प्रोसेस बताइए, क्या प्रोसेस बताइए। ये देखिए वैक्यूम क्लीनर होल्डर है, और ये देखिए नीडिल है, इसमें यहाँ पे लगाया जाता है। इसके बाद ये डायरेक्ट यहाँ बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और वेन में, उसके बाद यहाँ सक कर लिया जाता है। कौन सी वेन में? एक ट्यूब है EDTA, ये वाला EDTA है जो कि अब मेरा ब्लड निकलवाइए और आप वीडियो अच्छे से बनाइए। मीडियल वेन से निकालेंगे हमारे भैया। कौन से वेन से निकालेंगे आप? मीडियन वाले से। EDTA है इसमें, और ये SHT है ब्लड ट्यूब, और ये है सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड है, इस तीनों ट्यूब में हम निकलवाएंगे अपना ब्लड। तो ब्लड ही नहीं आया, ब्लड बन गया। वो कैमरे में हाथ दिखा दीजिए बस करिए, ज्यादा नहीं टेस्ट है, जितना चाहिए वो तो ले लेंगे ना। ओ बस वैसे साथ ही बाहर ब्लड नहीं आता जैसे हम निकाल रहे हैं। हां तरीका सही नहीं है आज का, मैं बता रहा हूं उसका ब्लड क्यों बाहर आता है। अरे बस करिए, कार्टन लगाइए, ब्लड बाहर निकालिए। ब्लड बाहर क्यों निकलता है मालूम है? अगर वो डायरेक्ट नीडल पे पिक करोगे ना, जब नीडल वेन पे जाए डायरेक्ट पिक करोगे ना दीजिए, तो अपना ब्लड अपने पास रखेंगे अपने जेब में। बंदे हो जाएंगे, बंदे को करवा रहा हूँ, करवा रहा हूँ, बंदे को करा लो, करा लो। तकलीफ क्या खाता है? हमारे में टर्निकेट अबेयर से बना गया था, इसीलिए ना प्रेशर बन गया। अगर उसके पहले अगर मैं पिक करता ना तो नहीं आता यार। अब बैंडेज लगा दिए स्वयं, नहीं ब्लड नहीं आएगा।